thank you so much, sir, for everything, for your sleepy classes, YouTube videos. That is where my journey started and it is ending today. कैसे रहे? सीपी क्लासेस वाला इंटरव्यू तो वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. इट हेल्प मी विद माय कॉन्फिडेंस आल्सो अ लॉट. इट वाज अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन व्हिच इज व्हाट आई फाउंड इन माय रियल इंटरव्यू आल्सो. सो इट वाज वेरी हेल्पफुल. नाइस नाइस. ऐसे ही बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बस चलता रहे और बच्चे सिलेक्ट होते रहे. यू कैन लाइक सी इट एज अ ट्रेडिशन कि जो लेटर ऑन कोई देखेगा और चार बच्चे स्लीपी क्लासेस पे आ जाएंगे पढ़ने और पर्टिकुलरली कोई इम्प्रेस हो जाता है, कोई मोटिवेट हो जाता है. मतलब सबसे ज़रूरी मुझे लगता है कि लड़कियां जो घर बैठ के जो चाहती हैं पढ़ना, हमारे साथ तो मैक्सिमम जो जो लोग जुड़ते हैं उसमें उसमें फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा होती है. तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा वो वर्ड ऑफ इंस्पिरेशन चलता रहे कि रुके ना बस वो. तो पहले 25 में से जैसे देखें जो 14 लड़कियां हैं तो दैट्स अ बिग थिंग है ना. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तो काम चलना चाहिए और तेजी से आगे जाना चाहिए. ठीक है. तो मैं जैसे आई विल बी आस्किंग वेरी वेरी सिंपल वेरी फ्यू बेसिक क्वेश्चंस है ना. तो अबाउट योर प्रिपरेशन, अबाउट योर जर्नी एंड लाइक यू एब्सोल्युटली फ्री टू रिकमेंड एनी सोर्स, चाहे कोई कोचिंग सेंटर तुमने विजन आईएएस वाजीराम जो भी पढ़ा हो जहां से भी, एब्सोल्युटली फ्री लाइक प्रॉपर गाइडेंस. ठीक है कि जो कोई बच्चा अगर घर बैठ कर देख रहा है तो उसको कोचिंग में तुमने अगर कौन सा यूज किया, कोई फ्री रिसोर्स, कोई पेड रिसोर्स, कहाँ आंसर लिखे, तो सभी क्वेश्चन इट विल गो अ लॉन्ग वे. दिस वीडियो वुड बी सीन लेटर ऑन बाय मेनी एस्पिरेंट्स एंड पर्टिकुलरली लड़कियां ज्यादा देखेंगी क्योंकि वो उनको है कि अगर किसी का हो सकता है तो शायद मेरा भी हो जाएगा. तो इसीलिए मोटिवेशन चलता रहता है वो. तो ये मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ऐसा होता है. ठीक है. ओके. तो चलो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? The feeling has not sunk in completely, but I am feeling great. I'm just feeling so grateful, relieved that I don't have to give pre, hopefully, and exactly. Just all in all, it's a wonderful feeling. Okay, and if you could like let's say put in words the feelings of your parents, because parents ज़्यादा invested होते हैं बच्चों से भी. My parents wanted me to clear it only because they knew that she'll be happy only if she clears it. So okay. They were like, please, okay. Not for her. We want her to clear. My parents have been so supportive. They have been absolute pillars of strength. They have never questioned me. They have never asked me why you not working. No questions. Okay. Just unconditional. So they're very happy. तो जैसे अगर क्विकली बैकग्राउंड के बारे में बताओ अपने कि कहाँ से पढ़ाई करी और यूपीएससी की जर्नी कहाँ शुरू होती है. हाँ जी. सो आई एम फ्रॉम लखनऊ. तो स्कूलिंग फ्रॉम लखनऊ एंड देन आई डिड माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली. आई ग्रेजुएटेड इन 2020. आई हैड अ जॉब फॉर सम टाइम बट देन आई क्विट माय जॉब टू परस्यू सीएससी प्रिपरेशन फुल टाइम. सो दैट माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 2020 विद माय जॉब. आई क्लियर प्री. आई कुडंट क्लियर मेंस दैट ईयर. Then in 2021, I gave again and then I got 241 rank. So I got IRS customs and then I prepared again. And this is 2022 where I have AIR 80. So that has been my CSE okay. journey. So consistently, if we could put it that way, academically, you've been a good student. Try to, yes. तो इस एग्जाम को अगर अगर आप देखते हो तो ये ज्यादा एकेडमिक एग्जाम है या फिर एप्लीकेशन है कि पढ़ तो लिया लेकिन अप्लाई भी करना आना चाहिए. वैसे तो ऑफ कोर्स ऑप्टिमल सिचुएशन में तो आइडियली तो दोनों आना चाहिए बट इफ आई हैव टू देन आई वुड से एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक बिकॉज़ कंटेंट इज देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट आउट देयर. एवरीबॉडी इज स्टडीइंग द कंटेंट एंड एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू यू नो or take all the good points from it, but at the end of the day it is how you can put it out, whether it's pre or mains or interview, and how mentally composed and confident you are at the time of your examination. I think that is most important. और जैसे अगर IRS जैसे पहले हो गया था उसके बाद एक था कि बेटर रैंक आ जाए, मे बी IAS मिल जाए, तो let's say अगर नहीं होता तो IRS भी बढ़िया है वैसे, अच्छी सर्विस है. हाँ सर, अभी आई एम लुकिंग एट अगर IAS हो जाता है तो देन दैट इज ग्रेट. अदरवाइज आई विल गेट IPS होम कैडर. सो दैट इज ऑल्सो लाइक नो कंप्लेंट्स एट ऑल. आई वाज वेरी हैप्पी विद IRS ऑल्सो. आई थिंक आई हैव बीन स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. आई हैव बीन गिवन ऑल व्हिच वन यू वांट यू कैन टेक. सो आई एम वेरी हैप्पी विद इफ आई गेट IAS. इफ आई गेट IPS होम कैडर देन ऑल्सो आई विल बी ओके.
ठीक है, तो जैसे अभी ना एक इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत ज्यादा, चलो लेटर ऑन शायद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, अभी 5 दिन बाद प्री है, तो अगर प्रीलिम्स जो अगर आपको भी देना होता, और क्या 5 दिन में ऐसा क्या किया जा सकता है कि प्रीलिम्स थोड़ा इंश्योर करें कि प्रीलिम्स हो जाएगा मेरा? सर आई थिंक इन द लास्ट 5 days फोकस शुड बी ऑन नॉट नीच चीजें दैट तुम्हें कभी कभी अभी लगता है 5 दिन बचे हैं तो हो सकता है ये आ जाए, तो मैं इस बुक का ये कोने से ये भी पढ़ लेती हूँ क्योंकि क्या पता ये आ जाए. दिस इज नॉट वेरी हेल्पफुल. वॉट इज मोस्ट हेल्पफुल इज वॉट यू नो फॉर श्योर विल कम. फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स और DPSP का चैप्टर है, आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा. सो फोकसिंग ऑन दीज थीम्स एंड दीज टॉपिक्स विच यू नो 100% श्योर विल कम, द लो हैंगिंग फ्रूट्स एंड PYQ साइमल्टेनियसली. सो बोथ ऑफ दिस लास्ट वीक विल लीव यू कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि अभी रैंडम चीजें पढ़ के चले जाओगे तो एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगी. तो आई थिंक दैट इज वॉट ये, और इसीलिए ना मुझे लगता है कि नहीं ये एकेडमिक एग्जाम से स्मार्टनेस के एग्जाम तो हमेशा ही है कि आप कितना सेल्फ अवेयर हो. अभी मैं जैसे एक और स्टूडेंट से बात कर रहा था तो सेल्फ अवेयरनेस एक निकल के आता है कि डेफिनेटली जो भी रैंक लेकर आ रहा है वो सेल्फ अवेयर तो है, और कंटेंट तो वही अगेन कितनी जो राइट अवेयरनेस है कि कंटेंट बहुत है, हाउ यू वांट टू यूज इट इट्स अप टू यू. ओके ब्रिलियंट. तो अच्छा, और एक जैसे पर्टिकुलरली अगर ऑप्शनल बहुत जरूरी होता है कि डिसाइडर है ना, डिसाइडर ऑप्शनल मुझे ऐसा लगता है, व्हाट्स योर टेक सर? ऑप्शनल अगेन इज लाइक आई थिंक इट्स मेक और ब्रेक. तो बिकॉज GS में ऑफ कोर्स यू कैन डू वेल, बट द अमाउंट दैट यू कैन पुश इन GS द फ्लोर सीलिंग इज नॉट टू मच, एंड इन ऑप्शनल काफी स्पेस है आपके पास करने के लिए और दिखाने के लिए कि आप मुझे आता है. So that way I feel that option is very important, and also if you have an option that you enjoy, for example GS 1, 2, 3, 4 karna hi hai, if you don't like ethics, you find it boring, doesn't matter, you have to do it. But if you have an optional that you like, then it's also a nice break, it helps you rejuvenate a little bit. So both of these things. So yahan pe na do questions hai mere paas, jo pehla ki aapka optional sociology. Haan ji. कैसे पहुंच गए यहाँ पे इंजीनियरिंग के बाद, पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी कैसे पहुंच गए? सर माय बीटेक में मेरा ब्रांच वाज बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, सो वो अवेलेबल नहीं था. तो नेक्स्ट आई थॉट लेट मी सी PCM पेपर्स, फिर मैंने PCM पेपर्स देखे तो आई रियलाइज दैट व्हाट आई फॉरगॉटन, और नहीं पढ़ सकते. और मतलब ये तो इट वाज वेरी थ्योरेटिकल, इट वाज नॉट द काइंड ऑफ PCM दैट वी डू इन JEE व्हिच आई वाज यूज्ड टू. So I thought like this is very theoretical, proofs and all the. So then I said probably not. Right. So then I was interested in society for a long time. I was very interested. I used to read up also random blogs, Twitter. So I opened up sociology paper and I really liked the question paper actually. The question paper intrigued me. I wanted to answer those questions. Okay. Then I talked to some seniors jinhone sociology liya tha. It's a fairly popular option also. So I had some guidance. I had books, I had material available. I liked the subject, the question paper. So it was a no-brainer. I took sociology. Okay. और जैसे बिल्कुल लाइक कम्प्लीटली ऑनेस्ट स्ट्रेटजी, ऐसे ऐसा नहीं है कि स्लीपी क्लासेस पर इंटरव्यू है, तो ऐसे तो सोशियोलॉजी की जर्नी कैसे रही, कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ टेस्ट दिया, और जो भी जैसे वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर कि जो राइट एक स्ट्रेटजी हो सकती है फॉर अ गुड रैंक. So in 2020, when I was working, I didn't have any time. I had 1 month for my mains. So usme to I did a sleepy classes YouTube marathon. Okay. I would binge sleepy classes day and night. And I made notes from that. And that was in my first attempt. Then in my second attempt, I had some time. So I thought, oh, let me open a book also. Okay. So then I got a Nitin Sangwan book. Because I actually am, I don't like having too many books. I like having one source which has consolidated things from everywhere. Okay. So that's, I found that book and I already had my sleepy notes. So I used both of them for my 21 attempt. And I also wrote papers at Forum. Okay. They have a sociology course. And okay. I think I wrote a couple of tests for Level Up IS. Because somebody recommended that these are good tests. This was not a calculated decision. And I really liked them. I liked the Level Up ka classes also. Okay. And this time around, I was also using Shunya IS. I pick up things. If I like them, I use them. So it's, okay. I'm not suggesting that, you know, get material from every coaching. That is not at all what I'm suggesting. Right. Just if you find something, like something, you can use it.
ओके तो प्रिसाइजली लाइक अगर जैसे देखें तो दीज थिंग्स दे वर्क फॉर यू. और जैसे मुझे भी अभी लगता है कि अभी जो काफ़ी ट्रांसपेरेंट माहौल भी है तो इवन एवरी टीचर दैट आई सी दैट आई विटनेस बहुत ही ऑनेस्ट एफर्ट कर रहे होते हैं और अभी फील्ड में मुझे लगता है सर्वाइव भी वही करते हैं जो बहुत चाहते हैं अभी भी एफर्ट करना. तो इसीलिए बस जो सोर्सेज आप उठा रहे हो मोस्ट लाइकली दे विल बी गुड सोर्सेज एंड देन सेकेंडली उसको बस थोड़ा जो अपने जो इंटरनलाइज करने में जान लगती है उसी का प्रोसेस है. मटेरियल इज देयर व्हाटएवर यू कैन डू विद इट इट्स द एक ना जैसे मुझे एनर्जी आ जाती है जैसे ना मेरे को वेट लूज करना होता है तो मैं जाके ना हेल्दी हेल्दी चीजें खरीद लेता हूँ ये भी खरीद दूँ वो खरीद दूँ तो लेकिन वो खरीदने से कुछ नहीं होगा फिर वो है ना फिर वो खाना मतलब उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लाइफ स्टाइल चेंजेस वो उस पर ही सब बदलेगा. तो ओके तो दैट्स ग्रेट. एक तो हो गया सोशियोलॉजी ऑप्शनल का तुमने बताया प्लान जो अच्छा लग रहा है मुझे सुनने में कि ये थॉरो है कि इससे हो सकता है. ओके दूसरा कि पर्टिकुलरली कि अगर जैसे बिगिनर्स होते हैं पर्टिकुलरली मोस्टली सोशो वही ऑप्ट करते हैं जिनका सोशो बैकग्राउंड है ही नहीं तो कितना ये ऐसा ऑप्शनल है कि समझ आ जाएगा नहीं आएगा या फिर कहाँ पर दिक्कत आ सकती है कि कौन से चैप्टर्स में यू माइट फेस हर्डल्स. सोशियोलॉजी जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है उनके लिए सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड करना इज इजियर इफ दे आर अ लिटिल बिट curious or a little bit I would say want to know the workings behind things because हम sociology में बहुत ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो सामने दिखती हैं. आपको religion दिखता है आपको आपने सुना है आपने caste के बारे में बहुत सुना है आपने politics के बारे में it's just around you everywhere. So if you have some interest in it if you have a little bit of oh I want to know more then it is a very good optional because you get to know so many things कि religion क्यों आया for example तो मैंने कभी सोचा नहीं था. So that way if somebody does not have a background but they have this I want to learn it's a very good option and there are some places where I was a little bit I found a little bit tough which were thinkers because I was not used to mugging up that much just like ki isne exactly ye bola aisa mujhe padhne ki utni aadat nahi thi. So if with thinkers the thing is that you have to reiterate. Okay, once you do it once twice thrice four times then somebody says Merton to tumko pata hai ha Merton I know Merton right. Merton then Merton becomes your like okay yeah I have a basket with Merton in it. Okay. So that way I think it's very doable. जैसे चैप्टर 1-3 को लेके बच्चे बहुत परेशान रहते हैं जैसे यूजुअली वी हैव अ फ्यू कोर्सेज तो उसमें चैप्टर 1-3 पे बहुत रिएक्शन आता है कि अरे समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है जिंदगी बर्बाद हो गई. तो ऐसे उस पे क्या कहना है कि 1-3 डूएबल है या फिर कैसे या ऑब्जेक्टिवली कैसे देखें उसको. 1-3 आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हम जो हम यूजुअली पढ़ते हैं दैट इज करेक्ट. मुझे थोड़ा सा इसलिए ठीक लगता था क्योंकि थोड़ी साइंस होती थी उसमें तो मुझे लगता था कि ओके देयर इज सम कनेक्टिंग द डॉट्स बिटवीन सोशल साइंसेस बैकग्राउंड नहीं था एंड आई आल्सो थिंक दैट 1-3 हैव अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू टू इम्प्रोवाइज व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स. फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन व्हाट इज अ हाइपोथेसिस देन यू कैन गिव वेरी नाइस आंसर्स एग्जांपल्स फॉर हाइपोथेसिस समथिंग यू कैन से कि समबडी थॉट लाइक दिस एंड देन दे डिस्कवर्ड दिस. ओके सो इन दैट आल्सो यू कैन ब्रिंग इन अ लिटिल बिट ऑफ योर ओन फ्लेवर आई फील. राइट अन्य जैसे वही ऐसे मुझे तो ऐसा लगता है बच्चों को ऐसे बोलता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है अगर इफ मेजॉरिटी इज फाइंडिंग इट टफ तो अगर आप इसमें एक्ट कर लोगे यू विल गेट मोर मार्क्स तो दिस इज अपॉर्चुनिटी. सो व्हाटएवर वैल्यू एडिशन यू डू इन 1-3 गिव्स यू वेरी गुड डिविडेंड्स आई थिंक. राइट अभी क्योंकि मेंस भी आ जाएगा कुछ दिन में तो स्टूडेंट्स माइट फाइंड दिस यूजफुल. ओके तो अच्छा अब जेनेरिक जीएस और एसए पे बात की कैसे जो उस पर काम किया फर्स्ट ऑफ ऑल और क्या जीएस के आंसर्स लिखे एसएस लिखे. एसए स्टार्टिंग में आई फील एसए में व्हाट इज एक्चुअली हेल्पफुल इज रीडिंग. आई लाइक टू रीड एंड आई फाउंड आउट कि जब वो प्रेशर सिचुएशन में बैठती हूँ एसए लिखने के लिए तो मैं भले ही 10 एग्जांपल रट के आई हूँ but what my mind will naturally gravitate to when it's trying to make a story in the essay that the flow in the essay is reading. If you have a wide reading habit if you're reading fiction non fiction etc that is the most useful thing that you can do. Of course go through Topper's copies ye wo to how to write an essay but for like ideas and different writing styles and having some again flavor into your essay I feel you should read and write your own essays of course. And coming to GS, GS 1-3, I used only the standard books. Main the standard books liye wo use karti thi. For some topics, I feel the major takeaway for me in GS was that
especially during my first attempt, I did not focus on a lot of things which are only main specific, such as welfare ho gaya. I didn't know ki wo itna importance rakhta hai, because I was always polity, okay. polity but ke chale jao, wohi GS2 hai, aisa nahi hota. Same with GS3 also, I didn't focus too much on, let's say, poverty, which is a big component. So whatever is in the syllabus, doing all of them with equal weightage is most helpful. Use all your standard books, use any compilations also if you have for any value addition. For example, if you think post-independence history kahan samajh nahi aa raha, bahut world history samajh nahi aa raha bahut zyada hai, to koi bhi consolidated notes wo utha ke pad sakte ho. World history pe 2 mahine lagane ki zarurat nahi hai. अगेन वही सेल्फ अवेयरनेस वाला है कि यू आर अवेयर है ना, और ग्रेजुअली ही आती है अवेयरनेस वो, और कोचिंग के बारे में अगर बात करें, जीएस की कोचिंग भी बता सकते हो कि आपने कहां से ली? कोचिंग तो मैंने नहीं ली थी, मैं सिर्फ ऐसे ही ज्वाइन करती थी, कोचिंग नहीं किया था, सेल्फ स्टडी किया था. मैंने बुकलेट्स यूज करे थे, अगेन थोड़े कंपाइलेशंस टू फिल इन गैप्स. सो आई यूज्ड कंपाइलेशंस फ्रॉम, मैं जाती थी, मैं ब्राउज करती थी, तो आई यूज फ्रॉम 1-2, आई यूज फ्रॉम ओनली IAS, आई यूज शून्य IAS का GS3, GS4, व्हेरेवर देयर वर स्कैटर्ड टॉपिक्स दैट आई वांटेड टू कलेक्ट. राइट, सो या That was सही है, बढ़िया, अच्छा है कि चीजें, मुझे वही लग रहा है कि बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है जहाँ पर चीजें अवेलेबल हैं, और इफ यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट तो हो सकता है घर बैठ के, और पेड मॉड्यूल्स, फ्री मॉड्यूल, चीजें अवेलेबल होती जा रही है. ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है. और एनीथिंग जैसे कुछ है, अगर जो पर्टिकुलरली जो पूरी जर्नी के दौरान जो थोड़ा जो लो पॉइंट जहां पर लगाओ कि अरे क्या ही कर रहे हैं जिंदगी में, क्या हो रहा है ये? आई थिंक दैट वाज 2021 फॉर मी, दैट वाज आल्सो बिकॉज़ कोविड था उस टाइम पे, सेकंड वेव चल रही थी, तो ऑलरेडी माहौल थोड़ा ठीक नहीं था, एंड आई वाज एट होम नॉट मीटिंग एनीबॉडी, तो सोशल इंटरेक्शंस भी कुछ नहीं थे. 2020 नहीं निकला था, 2021 वाज do or die, because like what else will I do? So I think 2021 in that main, before mains was a tough time, and I've realized that what this exam needs you to be is anti-fragile. You have to you have to understand that this is an exam. I want to do well, I will try to do my best, and and just have that mental composure and that peace of mind, because that really helps. I cannot stress that enough. अभी इफ यू जैसे एंटी फ्रेजाइल, वैसे वो एक पर्टिकुलर दिस कॉन्सेप्ट, नो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है वो. तो अच्छा, डू यू रीड बुक्स अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी बुक्स? हां, आई लव रीडिंग, दैट्स माय वेरी फेवरेट पास टाइम. ओके, वाओ, तो आई विल सेंड यू अ गुड बुक, ठीक है, जो अभी मैं आई एम रीडिंग अ वेरी गुड बुक बाय झुंपा लहिरी, आई विल सेंड यू दैट बुक, ठीक है. तो आपका एड्रेस है हमारे पास, तो हम सुन, वो एक छोटा सा एक ना वो है कि पढ़ाई चलती रहे, और तो यू शुड कीप हैव योर लाइफ गोइंग ऑन विद योर प्रिपरेशन, दैट हेल्प्स आई फील. ओके ग्रेट, तो और एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड, यू वांट टू शेयर, क्योंकि अभी तो प्री भी है कुछ दिन में, और प्री तो आता रहेगा इस साल, अगले साल, बच्चे तो ये वीडियो देखते ही रहेंगे, तो इसीलिए एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर प्री मेंस इंटरव्यू? I would just say that this exam is a part of your life. Try to enjoy the process, try to make friends in the process, try to meet people, talk to them, share with things with them. Don't feel pressurized, don't feel that this is the end of the world. Even if somebody doesn't make it, they can still do very well in life. And I think that is the most important takeaway. You can make it, and that's really nice, that's very good. But even if you don't make it, it's not make or break, it's fine. राइट, वो जो एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, लेट्स से मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कि चीजों को आप थॉरली देखना चाहते हो और एक्सटेंट बढ़ा देते हो अपना, तो सब कुछ चीजें बढ़ जाती है, तो मुझे लगता है वो गो गेटर आपका एटीट्यूड हो जाता है चीजों को लेकर, तो लाइक यू हैव नथिंग टू लूज, राइट, दिस प्रोसेस एंड एवरीथिंग टू गेन, राइट. ये तो ये जो एक मुझे तो वही लगता है कि स्कूल वगैरह में तो ऐसे स्कूल कॉलेज में थोड़ा तो स्लीप वॉकिंग हो रही होती है, यूपीएससी आके जगाता है कि अरे ये जिंदगी चल रही है, देख लो कुछ. बढ़िया, ठीक है, लाइक रियली रियली ऐसे मजेदार, स्प्लेंडेड टॉकिंग, और जो यू आर अ वेरी लाइवली पर्सन एज वेल, है ना, और इंटरव्यू में तो मैं तो ऐसे पता लगता ही है कि हाँ कि यू आर अ सिंपल पर्सन, कॉम्प्लेक्स आंसर्स ही नहीं है, सिंपल आंसर्स हैं, और स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर्स हैं, तो
वो भी शायद एक ना कला है जो ग्रेजुअली डेवलप होती है, तो कि अगर आप सीधे आंसर दे सकते हो घुमाए फिराए बिना तो वो बहुत सही चीज़ होती है, यूपीएससी में तो चाहिए। ओके ठीक है, और अगर अगर व्हेनेवर यू हैपन टू बी इन चंडीगढ़ वी वुड लव टू होस्ट यू एंड वी आर प्लानिंग समथिंग कि हम सब बच्चों को चाहते हैं बुलाना, ठीक है। तो जो सिलेक्शन तो वंस इन लाइफ टाइम अफेयर है, एक बार आ गया मजा तो आता है उसमें फिर, तो लेट्स सी कि हम जल्दी मिलें सभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग, फॉर योर स्लीपी क्लासेस, यूट्यूब वीडियोस, दैट इज वेयर माय जर्नी स्टार्टेड एंड इट इज एंडिंग टुडे, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। ये जैसे अभी तो आज का दिन तो बहुत बिजी होता है ना, तो आज के दिन टाइम निकालना ये सबसे बड़ी बात है। ये ठीक है थैंक्स अ लॉट, तो चलो मिलते हैं जल्दी। ओके बाय 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 सर। जैसे ना मुझे याद है कि वो इंटरव्यू हम दिल्ली में इंटरव्यू किया था, तो उसके बाद आफ्टरवर्ड्स ना कैसे जैसे थोड़ा जैसे बहुत ही आपका ना बहुत ही एक वो है एक बहुत ही सिंपल ऑरा है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसमें कि ना कि नहीं नहीं बहुत तामझाम नहीं है, तो इसीलिए ना वो जो पर्टिकुलरली दैट्स वेरी इंप्रेसिव लाइक दैट शुड ऑलवेज स्टे विद यू, तो वो बहुत ही वो जैसे इंक्लूड हो जाते हैं सभी, तो आफ्टरवर्ड ना जैसे वो आपको वीडियो में नहीं दिखेगा वैसे, लेकिन आफ्टरवर्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग तो वो था कि इनका होगा कि इनका ऑरा बहुत अच्छा है, तो जिससे कि इसी से भी अगर हम अभी बात हो रही है अगर तो वही है कि चार दिन बाद प्री नहीं देना बस, अभी वो शांति है। I really wanted to just shut down my laptop, कि मेरे को laptop नहीं खोला, so that was a very big win I would say.